अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मर्दाना कमज़ोरी के बारे में, किस तरह हम कुदरती तौर पर मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास है। बाद लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, उनकी टाइमिंग नहीं होती, स्पर्म काउंट बहुत लो होता है, या उनका स्पर्म पतला होता है, या इनकी औलाद नहीं हो रही होती। आप लोगों को बताता जाऊँ कि एक ऐसा फार्मूला जो 40 साल के बंदे को 16 साल वाली फीलिंग दे सकता है। अगर मैं आपको फर्टिलैक्स कैप्सूल के फ़ायदे बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये कैप्सूल हमने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपकी भी ये प्रॉब्लम हल हो जाए, तो इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो एंड तक लाजमी देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। आज मैं आपको ऐसे कैप्सूल के बारे में बताऊँगा जिस सही इस्तेमाल करते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं आपकी मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत ख़त्म हो जाएगी, आपके टाइम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इन कैप्सूल को इस्तेमाल करने के बाद आपको महसूस होगा कि वाकई ये कैप्सूल अच्छे हैं। ये कैप्सूल आपको बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस कैप्सूल के फ़ायदे के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, मतलब हमने दिन में ये कैप्सूल कितने खाने हैं और कितने खाने चाहिए ये कैप्सूल हमें। ये हम आपको आज आसान अल्फाज में बताएंगे। ये एक नहायत मुफीद और मुअसर दवा है, मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इस कैप्सूल को इस्तेमाल करके आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। ऐसे मर्द हज़रात जिनका स्पर्म पतला हो, इस टैबलेट को इस्तेमाल करके अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं और स्पर्म को गाढ़ा कर सकते हैं। स्पर्म काउंट बढ़ने से आपकी फर्टिलिटी में इजाफा हो जाएगा। ये बेऔलाद हज़रात के लिए एक ख़ास तोहफा भी कह सकते हैं। ट्रिबुलस कैप्सूल के आपके अज़ू खास में ब्लड सर्कुलर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके अज़ू खास में नई जान आ जाती है, ताकत आ जाती है, मजबूती आ जाती है और आपकी टाइमिंग बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा ये पट्ठों को मजबूत करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने में भी ये बहुत मुफीद है। अब बात करते हैं इसके सही तरीका इस्तेमाल की। ये कैप्सूल आपने दिन में दो टाइम इस्तेमाल करना है, एक कैप्सूल सुबह और एक रात को खाना खाने के बाद, तकरीबन 1 से 2 माह तक या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, मसलन सर का दर्द, चक्कर आना, मतली उल्टी का होना, मैदे का ख़राब होना, पेट में दर्द वगैरह। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।